हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज दीपावली के शुभ अवसर पर सबसे पहले आप सबों को मैं दीपावली का हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको सेपरेशन ऑफ मिक्सर सीबीएसई के बच्चों के लिए केमिस्ट्री क्लास 9 सेकेंड चैप्टर में सेपरेशन ऑफ मिक्सर है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस, हाउ विल यू सेपरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सर। एंड नाउ आई विल शो यू, आई विल डू विथ एक्सपेरिमेंट। और मैं अपने बिहार बोर्ड के बच्चों को, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उन्हें भी मैं बताना चाहूंगा कि आपके अध्याय के दूसरे अध्याय में अणु परमाणु, उस अध्याय में मिश्रण है, और मिश्रण को अलग अलग मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, तो पृथककरण विधि को हम आज प्रयोग विधि से आपको दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, छानना होता है, फिल्ट्रेशन, पृथककरण, इट मींस सेपरेशन ऑफ मिक्सर, सेपरेशन ऑफ मिक्सर। नाउ पृथकीकरण, 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 मिश्रण का पृथकीकरण, मिश्रण का, मिश्रण का पृथकीकरण, मतलब हम लोग मिश्रण को क्या करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फिल्ट्रेशन बता रहा हूं कि फिल्टर कैसे करेंगे किसी भी। तो आपने क्लास में अलग अलग मिश्रण को पढ़ा है, ठोस और ठोस के मिश्रण को, द्रव और ठोस को, और द्रव और द्रव के मिश्रण को। द्रव मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, और सॉलिड सॉलिड मिक्सर है। नाउ वी कैन सेपरेट यूजिंग द डिफरेंट प्रोसेस। एंड नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज दैट डिफरेंट प्रोसेस, बट वी डोंट हैव टू मच टाइम, दैट्स व्हाई इट कैन बी फिनिश इन सिंगल डे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट आई विल मेक ए वन पार्ट टू पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सेशन। नाउ फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो फर्स्ट तीन देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं प्यारे बच्चों आपको, फिर दीपावली के बाद मैं आपको उस चैप्टर के अलग अलग एक्सपेरिमेंट को फिर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन, एफ आई एल टी ई आर ए टी आई एन, फिल्ट्रेशन मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए, हिंदी भाषी बच्चों के लिए यह है छानना। छानने के मतलब क्या होता है, छानने का बहुत सारा प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों। एक सॉलिड, एक ठोस जो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होगा, और एक ठोस जो लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगा, तो दो तरह का है। तो एक को हम फिल्टर पेपर से छानेंगे, और दूसरा जो घर में चाय पत्ती बना को चाय में डालते हैं और चाय बन के रेडी होता है, और वो चाय पत्ती जो डालते हैं वो डिजोल्व नहीं होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी छानते हैं। इट्स ए बिगर पार्टिकल, बट सम पार्टिकल विच मिक्स विथ द सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ, घोल के साथ मिल जाएगा और सेपरेट नहीं होगा, उसे हम फिल्टर पेपर से छानते हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर, इसके लिए क्या क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको ले लेते हैं सॉल्ट। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज अ सॉल्ट, ये क्या है मेरा, दिस इज अ सॉल्ट, ये सॉल्ट है।
Now, just I can take a water. पानी ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये पानी ले लिए, तो ये पानी ले लिए, सॉल्ट क्या होगा, डिजोल्व, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा. नाउ जस्ट यू कैन मिक्स, नाउ इट कैन बी एंड यू कैन स्टीयर विद द ग्लास रॉड. आप ग्लास रॉड से इसको स्टीयर करेंगे, इट कैन बी स्टीयर इट, मतलब घुमाते हैं, इट कैन बी कंप्लीटली डिजोल्व. नाउ इट मेक्स ए होमोजीनियस सोल्यूशन, समांगी मिश्रण बनाता है. और नाउ यू कैन नॉट सेपरेट विद द फिल्टर पेपर, नाउ यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन. नाउ ये इवोपोरेशन हो गया, तो दिस इज द डिजॉल्व. अब वैसे हम लेंगे जो हेट्रोजीनियस बनाता है. नाउ वी कैन टेक ए सैंड, हम क्या ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं, सॉयल ले सकते हैं, और सॉयल को डिजोल्व करेंगे. नाउ वी कैन गो थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, अलग हो जाएगा. थोड़ा सॉयल दीजिए बेटा. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द फिल्टर पेपर. ये क्या है आपका, ये फिल्टर पेपर है. नाउ दिस इज द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर होता है. और इस फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, ये फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, टू फोल्ड करेंगे. इस तरह से आप टू फोल्ड कीजिए, ये टू फोल्ड होता है. नाउ वन फोल्ड मोर, जस्ट यू हैव टू डू इट. नाउ वन फोल्ड अगेन, तो आप एक फोल्ड और कीजिए. एक फोल्ड करने के बाद एक क्या बन जाता है आपका, थ्री फोल्ड बोलते हैं. नाउ एक सर्किल है, एक ब्रीथ है, और ब्रीथ का एक पार्ट बन गया. अब इसमें आप बच्चे देखेंगे क्या कि वन टू थ्री फोर लेयर्स बनता है. इस फोर लेयर्स को 3:1, तीन और एक के रेशियो में बांट दीजिए. ये क्या बन गया, तीन और एक का, तीन पार्ट एक साइड और वन पार्ट एक साइड. एंड नाउ इट विल बिकम्स अ फनल शेप. कैसा बन जाता है आपका, फनल शेप बन गया. फनल समझते हैं, कीप बोलते हैं हिंदी में, हिंदी भाषी विद्यार्थियों को हम क्या बोलेंगे, कीप. तो कीप आप डिकेंटेशन जो करते हैं, डिकेंटेशन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, निथारना. तो निथारने का प्रोसेस है, तो निथारने के लिए हम लोग कीप लेते हैं. और हम अपने सीबीएसई बच्चों के लिए इसको क्या बोलेंगे, हम लोग फनल. तो अब देखिए ये फनल शेप रेडी कर लिया मैंने फिल्टर पेपर से. नाउ जस्ट वी कैन टेक अ सॉयल, मैंने सॉयल लिया. नाउ वी मिक्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ द सॉयल. नाउ स्टीयर विद द ग्लास रॉड, और हमने ग्लास रॉड से इसको क्या किया, मिक्स कर दिया. अब आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, बट इट्स नॉट ए होमोजीनियस सोल्यूशन, इट ए हेट्रोजीनियस सोल्यूशन. एंड वी कैन सेपरेट इट, दिस इज द मिक्सर, एंड नाउ इट कैन बी सेपरेट यूजिंग द फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर को यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग निकाल लेंगे. तो आप फनल, आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे. नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द बीकर, और नाउ इन द बीकर देयर इज नथिंग एनीथिंग एल्स. अब इस बीकर में हम क्या करते हैं, इस फनल को मेरे प्यारे बच्चों फिक्स कर दीजिए. फिक्स कर दिया. नाउ आपका जो मडी वाटर है, मडी वाटर को आप डालें. नाउ यू विल ऑब्जर्व पेशेंसली, यू हैव टू सी ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके ये पानी क्या होगा, आपके बीकर में जमा हो जाएगा, और बिल्कुल क्लीन, कलरलेस, रंगहीन पानी आपका अलग हो जाएगा, और सॉयल पार्टिकल्स जो इसके अंदर मिला हुआ वो क्या होता है, अलग हो जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन, और छानना कहते हैं. यू हैव टू लेफ्ट फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट जस्ट आई विल शो यू कि कैसे ये छान करके अलग हो गया, मतलब छान दी इसको हम. और इस प्रोसेस को हम अपने सीबीएसई के बच्चों को बताना चाहेंगे, इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं. नाउ सेकेंड प्रोसेस माई डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, निखारना, डिकेंटेशन. तो फर्स्ट इज
सेकेंड फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज डिकैंटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन MAGANETIC मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा क्या हो गया? मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या होता है? चुंबकीय पृथकीकरण, चुंबकीय पृथकीकरण, चुंबकीय पृथकीकरण है बेटा। तो चुंबकीय पृथकीकरण किसको बोलते हैं? दिस इज द प्रोसेस वेयर वी कैन सेपरेट द सॉलिड सॉलिड सबस्टांस मिक्सर। सॉलिड और सॉलिड के मिक्सर को हम अलग करने के लिए क्या करेंगे? चुंबकीय पृथकीकरण करेंगे। और इसमें स्पेशल होता है, खास बात यह होती है कि इस प्रोसेस में हम सिर्फ और सिर्फ जो चुंबकीय पदार्थ से अट्रैक्ट हो जाता है, इट मीन्स आयरन पार्टिकल को अलग करने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। क्लियर ही बात? तो इस प्रोसेस को अलग करने के लिए क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नाउ हम क्या लेंगे इसमें, कि इसमें हम दो लेंगे। क्या लेंगे? तो इसमें हम लेते हैं पहले आयरन पार्टिकल्स। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द आयरन पार्टिकल्स, दिस इज द आयरन पार्टिकल्स माय डियर स्टूडेंट्स, एंड यू कैन सी आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स बोलते हैं हम लोग। ये क्या है आपका? आयरन फिलिंग्स है। ये क्या है आपका? आयरन फिलिंग्स। अब इस आयरन को हम अगर सैंड और क्या मिला देंगे, दिस इज द सैंड, नाउ वी मिक्स विद द सैंड। किसमें हमने मिला दिया? सैंड में मिला दिया। तो सैंड में क्या मिल गया आपका? बोथ आर सॉलिड, बोथ आर सॉलिड, डोंट मिक्स टू इच अदर, नहीं मिलेगा। नाउ इस तरह के मिक्सचर को हमको अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैग्नेट। ये क्या है? मैग्नेट है। और मैग्नेट को यूटिलाइज करते हैं व्हेन वी मूव द मैग्नेट अराउंड द सच टाइप्स ऑफ मिक्सर द आयरन पार्टिकल्स इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा, चुंबक के द्वारा ये आयरन सबस्टांसेस क्या होता है, वो अट्रैक्ट आकर्षित कर लिया जाता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, वो चुंबकीय पदार्थ जो मिला हुआ रहता है उसको हम सॉलिड सॉलिड के, ठोस ठोस के मिक्सर में आयरन पार्टिकल जो मिला रहता है उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूटिलाइज करते हैं। यू कैन सी हियर द आयरन पार्टिकल इट हैज बीन सेपरेट आउट फ्रॉम द सैंड। क्लियर हुई बात? तो इस तो आपको ये क्लियर हो गया कि ठोस ठोस जो घुलनशील नहीं है, जो आपस में घुलेगा नहीं, तो उसका एग्जांपल क्या हो गया आपका? तो आयरन और बालू, सैंड एंड आयरन। और इसे हम कैसे अलग करेंगे? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इसे अलग किया जाता है। क्लियर हुई बात? नाउ आपको पहला जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखिए, इट विल टेक सम टाइम। तो ये छानना पत्र में देखिए, ये वाटर क्लीन है कि नहीं, इसमें मिला हुआ सॉइल, पानी मिला, पानी मिट्टी है, मिला हुआ मिट्टी कहाँ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, मिट्टी इस फिल्टर पेपर के थ्रू ये क्या हुआ, सब इसमें बाहर आ गया। नाउ यू कैन सी द दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन, और इसी को छानना बोलते हैं। तो छानने में क्या हो गया, ये क्या दिखाता है मेरा, कि सॉलिड और लिक्विड मतलब द्रव और ठोस के मिश्रण जो घुलन एक दूसरे में घुल जाते हैं उसको अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, छानने की विधि, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अभी आपने देखा है ठोस और ठोस के मिक्सर को, इसको कैसे अलग करते हैं, सॉलिडिफिकेशन, इसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से करते हैं। नाउ नेक्स्ट डिकैंटेशन। डिकैंटेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी आपको सॉलिड सॉलिड ठोस ठोस को दिखाया, दूसरा मैंने आपको दिखाया, पहला दूसरा दिखाया मैंने आपको कि सॉलिड और लिक्विड के मिक्सर को, मिश्रण को। अब तीसरा देखेंगे हम लिक्विड और लिक्विड के मिश्रण को कैसे हम सेपरेट करेंगे। तो लिक्विड और लिक्विड का मिश्रण कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो लिक्विड और लिक्विड का मिश्रण होगा मेरा दो तरह का होता है, एक मिसिसिबल होता है और दूसरा इमिसिसिबल। एक घुलन, एक क्या होता है,
घुल जाता है उसके अंदर, एक दूसरे में मिल जाता है और एक दूसरे में मिलता नहीं है, एक लेयर एक सतह बना लेता है और उसे हम अलग करते हैं। अलग करने के लिए निथारना या डिकेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निथारना या डिकेंटेशन। थर्ड DECANTATION डिकेंटेशन। और इसी प्रोसेस को मेरे प्यारे बच्चों दूसरे फॉर्म में हम बोलते हैं यूजिंग सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल SEPARATING सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल भी यूज करते हैं। तो सेपरेटिंग फनल का फिगर होता है मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से, ये है आपका। यहां पे क्या लगा रहता है? ऐसे वॉल्व लगा रहता है और इसको एक बीकर नीचे डाल देते हैं और नाउ जस्ट वी कैन मिक्सर ऑफ सॉलिड लिक्विड। देखिए ये क्लियर बना देगा, ये वॉइल हो जाएगा और नीचे क्या होगा आपका? वाटर हो जाएगा। नाउ व्हेन यू कैन ओपन द नॉब और वॉल्व को खोलेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है? गिरने लगता है। एंड नाउ यू हैव टू प्रिकॉशन, सावधानी ये है कि जैसे ही वो वाटर का लेवल इन होगा आपको इमीडिएट वॉल्व को बंद कर देंगे। एंड नाउ इन दिस वे वी कैन सेपरेट द टू इमिसिसिबल लिक्विड। क्या करेंगे? टू इमिसिसिबल लिक्विड को हम अलग करने का प्रोसेस करेंगे। नाउ टू मिसिसिबल लिक्विड इट कैन बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन। क्या होगा? टू मिसिसिबल इट मीन सिर्फ और सिर्फ दो मिसिसिबल लिक्विड को हमको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन करते हैं और दो से ज्यादा रहे तो उसके लिए हम लोग प्यारे प्यारे बच्चों करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नाउ अभी आई जस्ट आई कैन शो यू यूजिंग द सेपरेटिंग फनल अदरवाइज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब था उड़ेलना, निथारना। तो हम अभी देखते हैं निथारने के प्रोसेस को मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए नाउ आई हैव टेकन वाटर, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। नाउ जस्ट आई हैव मिक्स्ड वॉइल, जस्ट यू कैन सी इट हैज बिकम अ सेपरेट लेयर। वॉइल ऊपर आ गया, क्यों ऊपर आ गया? डेंसिटी हाई डेंसिटी है और इन कंपेयर ऑफ वाटर वॉइल डेंसिटी ऑफ वॉइल का हाई है। इट मीन्स मेरे हिंदी भाषी बच्चों के लिए कि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण ये क्या होता है? पानी के ऊपर तैरने लगता है, कम होता है। पानी के कंपेयर में तेल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। सॉरी आप इस चीज को जान लीजिए कि घनत्व डेंसिटी, तो तेल का घनत्व क्या होता है? कम होता है और पानी का घनत्व, इसलिए तेल क्या होता है? ऊपर आ जाता है। अगर तेल का घनत्व ज्यादा होता तो फिर नीचे सेडिमेंट कर जाता, बैठ जाता। तो हम लोग क्या कहें जानते हैं इसको कि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा और कम होगा तो पानी के ऊपर एक सतह बना लेता है और इसे हम क्या करते हैं? तो इसे हम प्यारे बच्चों आराम से डिकेंटेशन, निथारना। तो हम इसको आराम से धीरे से इस प्रोसेस से अलग करेंगे। देखिए वाटर अलग और तेल अलग हो गया तो इसको बोलते हैं ढारना, डिकेंटेशन। और फ्रेश बिल्कुल सही और एक्यूरेट फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेपरेटिंग फनल का। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आपका वो है ऊर्ध्वपातन, इट मींस सबलिमेशन। दूसरा क्या है आपका? सबलिमेशन समझे? सबलिमेशन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलाइजेशन और इवोपरेशन। दीज थ्री एक्सपेरिमेंट वी हैव टू यूज सम स्प्रिट लैम्प एंड हीटिंग प्रोसेस। यूजिंग सम हीटिंग प्रोसेस जस्ट वी हैव टू
सेपरेट सच टाइप्स ऑफ मिक्सर। इस तरह के मिक्सर को, उस मिक्सर को गर्म करके हम क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोकूंगा और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इवोपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, रवाकरण, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर दिखाऊंगा। और तब तक के लिए आपको मेरे क्लास में उपस्थित होने के लिए, अटेंड होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर आशा करूंगा कि अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को फिर शेयर करेंगे।